एक तरफ जहां बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सरकार कई योजनाएं बना रही हैं और अरबों रुपये इस पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं मिल रहा। जीता जागता नमूना आपको हर जिले में हर गांव में देखने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर में प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि लोन चुकाने को बेटी की शादी अधेड़ से कर दी गई। नाबालिग बोली, मुझे पढ़ना है, मुझे इंसाफ दिलाओ वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। 16 वर्षीय नाबालिग युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया है, जिसमें साफ तौर पर वो कह रही है कि मुझे जबरन मेरे पिता ने लोन चुकाने के लिए मेरी शादी की है। मेरी उम्र 16 वर्ष हो रही है और मेरे पति की 52 वर्ष। मैं जहां एक तरफ शादी भी नहीं करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर इस तरह उम्र का फर्क और प्रताड़ना, गाली गलौज मेरे से सहन नहीं होगा। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मेरा शादी हुआ है दुमका हरिपुर, जो कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हुआ है, 52 प्लस है, और मेरा एज अभी बस 16 ही हुआ है। वो भी शादी मेरा जोर जबरदस्ती से हुआ है। ब्लैकमेल मुझे किया गया है। ब्लैकमेल होने के बाद वहाँ पे मेरे ससुराल में मारपीट, गाली गलौज, धमकी, पिस्टल सब दिखा करके मेरे साथ मारपीट सब होता था। फिर वहाँ से भाग करके मैं अपने मायके आई, सबको बताई, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो मैं वहाँ से भी कैसे भी भाग करके इधर भागलपुर आई अपनी दीदी के पास, लेकिन वो भी बोली कि हम तेरा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ पल के लिए मेरी दीदी ने मेरी मदद की थी, लेकिन वो भी अब इनकार कर दी है, क्योंकि उनके ससुराल वाले उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो चीज़ में। तो मैं अभी अपने होश और हवास में बोल रही हूँ कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, और हो सके मेरे मौत के बाद मेरे ससुराल वाले और मेरे घर वाले को सजा दिया जाए। अपने सगे पिता ने ही पैसे की लालच में अपने नाबालिग बेटी की शादी करा दी। युवती अभी 16 वर्ष की है और पुरुष 52 वर्ष का। युवती झारखंड के गोड्डा के पथरगामा की रहने वाली है। उसकी शादी महज कुछ ही दिन हुए हैं। उसकी शादी जुलाई में जबरन कराई गई थी। लोन चुकता करने के लिए पिता ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की शादी 50 वर्ष से अधिक उम्र के अधेड़ से कर दी। शादी के बाद पति उसे पिस्तौल का भय दिखाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। किसी तरह घर वालों से छिपते हुए वहां से भागकर भागलपुर बड़ी बहन के पास पहुंची और मदद की गुहार लगाई। वहीं झारखंड के गोड्डा जिला की रहने वाली युवती अपनी बहन के यहां रह रही है। वो मंगलवार को अपने पति की शिकायत करने के लिए महिला थाना पहुंची, लेकिन महिला पुलिस उसकी मदद करने की जगह उसे वहां से भगा दी। फिर वो साक्षक थाने गई, लेकिन वहां भी उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। अंत में वो DIG ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां भी उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। अंत में उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला। वो डर के साए में जी रही है। उसे हर समय इस बात का डर सता रहा है कि उसका पति कभी भी आकर उसे जबरन अपने साथ लेकर चला जाएगा। वो उसके साथ नहीं जाना चाहती, वो पढ़ना चाहती है। पीड़िता को कानूनी सुरक्षा देने के बजाय पुलिस मामले से पल्ला झाड़ने में लगी हुई है। दूसरे राज्य का मामला बताकर को महिला थाने से भगा दिया गया, जबकि यहाँ की पुलिस झारखंड की स्थानीय पुलिस से संपर्क कर 0 FIR दर्ज कर उसे कार्रवाई के लिए भेज सकती थी। वहीं जब इस मामले पर SSP आनंद कुमार से टेलीफोनिक संपर्क किया गया, तो इस मामले में उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है, लड़की अगर नाबालिग है तो उसके बयान पर यहाँ की पुलिस 0 FIR दर्ज कर झारखंड पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजेगी। पीड़िता ने बताया कि मां का निधन पिछले वर्ष दिसंबर में हो गया। पिता एक महिला से संपर्क में आए, उससे नजदीकी बढ़ी और उन्होंने उससे शादी कर ली। सौतेली माँ के दबाव में आकर पिता जुलाई में मुझे मंदार पर्वत घुमाने के लिए ले गए। इस दौरान जबरन मेरी शादी 50 वर्ष के ऊपर के अधेड़ से करा दी। शादी के बाद ससुराल में मुझे काफी प्रताड़ना मिली। पति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना करने पर मुझे पिस्तौल सटाकर जान से मारने की धमकी दी। ननद व सास भी मुझे पीटती है, गाली गलौज करती है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पिता पर काफी लोन था। शादी के पूर्व पति ने पिताजी को लोन चुकता करने में मदद का भरोसा दिया था, जिसके चलते मेरी शादी जबरन कराई गई। मेरा जन्म 2007 का है और मैं इसी वर्ष 10वीं पास की हूँ और इंटर में एडमिशन भी कराया था, लेकिन वहाँ से ससुराल वालों ने नाम कटा दिया। पीड़ित युवती व उसकी सगी बहन मदद की गुहार के लिए दर दर भटक रही है। भागलपुर के महिला थाना पहुँचने के बाद महिला पुलिस ने भी मदद से इनकार कर दिया। पीड़ित युवती की बहन ने कहा कि जब अचानक परेशान होकर मेरी बहन मेरे पास 21 अगस्त को भागलपुर आई और सारी बात बताई, तो मैंने सोचा इसकी सहायता मैं भागलपुर पुलिस से लूं। लेकिन हम लोग महिला थाना गए, उसके बाद साक्षक थाना गए, उसके बाद DIG ऑफिस गए, कहीं भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। हम लोग काफी परेशान और डरे सहमे हुए हैं। मेरी बहन को अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरी बहन की शादी जुलाई 2023 में हुई है और इसका जन्म 2007 का है। वह अभी 16 वर्ष की है और इसका पति 50 वर्ष के ऊपर का है। यह कहीं से सही नहीं है। मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि अगर पीड़ित पुलिस से मदद की गुहार नहीं लगाएगी तो वो कहां जाएगी, और अगर पुलिस भी मदद करने से इनकार कर दे तो फिर ऐसे लोगों का क्या होगा? यह सीधा सवाल सरकार पर निशाना साधती है।
और वो मेरे घर कल रात में आई, डरते हुए भागते हुए किसी तरह। वो बोली कि दीदी मेरा शादी हो गया, जबरदस्ती शादी किया गया है और मेरे साथ खूब ज़्यादा जोर जबरदस्ती किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, सारी बात मुझे बताई। तो ये साल हो रहा है इनका 16 साल हो रहा है और इनके हस्बैंड जो हैं जिनसे शादी हुई है उनका 50 प्लस कुछ हो रहा है, तो जहाँ तक हमको ये जानकारी दी। तो अब ये बोल रही है कि आप हमको मदद कीजिए नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी, इसीलिए हमको मदद करना पड़ा और आज मैं इसकी मदद कर रही हूँ। बोल रही आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ और आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। पढ़ाई भी बंद करा दिया। हाँ, पढ़ाई एडमिशन इसका हुआ था जहाँ तक ये बताई, उस वहाँ से उसका नाम कटवा दिया गया। पति पढ़ने नहीं देना चाह रहा है। पति पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं अब मत पढ़ो। और पापा शादी से पहले इसको इमोशनल ब्लैकमेल किए कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे या फिर घर से भाग जाएंगे, ये सब बोलते थे। अभी जो ये अब ये वो लोगों की क्या सोच है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये तो कह रही है कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ लेकिन वो लोग मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। एज फैक्टर भी बड़ा फैक्टर। हाँ, बहुत ज़्यादा। और नाबालिग भी है, अभी तो इसके शादी की उम्र भी नहीं है और ये पढ़ना चाहती है, पढ़ने भी नहीं दिया गया और बोलती है कि ससुराल में इसको बंद करके रखा जाता है कैदी की तरह, बस दो टाइम खाना मिलता है और कोई आज़ादी नहीं है। और इसके साथ अभी क्या करेंगे आप? अब मैं इसको यहाँ सौंप दूँगी महिला थाना में, इसके बाद यहाँ से कुछ किया जाए इसकी मदद। जान से मारने की पिस्टल हथियारों का हाँ क्या है उसको बताइए। पिस्टल दिखाया जाता था इसको कि मतलब तुम मेरे जो हम चाहते वो तुम करो नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। हम नाबालिग हैं और मेरा ज़ोर ज़बरदस्ती शादी किया गया है और शादी होने के बाद भी गाली गलौज मारपीट होता था रोज़ दिन। कौन मारपीट करता था? मेरा हस्बैंड और उसकी बहन सब भी। तो आगे? आगे तो हम पूरा मतलब वहाँ से हम भाग नहीं पा रहे थे तो इसलिए सोचे कि यहाँ पे आए, कुछ रस्म हो रहा था, होना था तो इसलिए यहाँ पे आए। हम मायके से ही भागे हैं और भागते भागते इतना दूर आ गए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। कहाँ भाग के आए हैं? यहाँ भागलपुर। किस लिए आए हैं? दीदी के साथ, दीदी के पास। रहा है? क्या कारण रहा है जो चुकले? कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था उधर में। क्या चाहते हैं? क्या चाहते कि हमको इंसाफ मिले। हम मुझे नहीं रहना उनके साथ, वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। कितने वर्ष के हैं वो? 52 प्लस हुए होंगे। और आपका कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। 16 साल आपका हो रहा है और 52 वर्ष आपके पति का हो रहा है। इस कारण से उनसे दूरी बनाना चाहते हैं? वो मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करते थे, अगर नहीं बनाते थे तो वो मुझे मारते पीटते थे। शादी कब हुई? 28 जुलाई। कितना साल? हाँ, कितना दिन होगा शादी का? कितना 15-20 दिन हो रहा होगा। 15-20 दिन मात्र? शादी के तीसरे दिन से ही ये सब स्टार्ट हुआ। 16 वर्ष हो रहा है आपका और आपके पिताजी आपकी शादी करा दिए, पिताजी का क्या जोर जबरदस्ती था? हाँ, वो सब उधर से ही बोले थे अगर आपकी बेटी हम सबको दे देते हैं तो आप सब जितना भी लोन है, जितना भी कर्जा है, सब आपका माफ़ हो जाएगा। एक तरफ से देखा जाए तो वो हमको बेच ही चुके हैं, मेरे पिताजी भी उन सब के पास। मेरा ससुराल है हरिपुर दुमका और मेरा मायके है ताड़िया पत्थरगामा गोड्डा। अभी आप अब क्या करेंगे, आगे कहाँ जाएंगे? वो तो मुझे नहीं पता, बस मेरा मुझे पुलिस से कुछ मदद मिल जाए, मैं उनके लिए ही आई हूँ। क्या चाहती हैं पुलिस से? कैसा मदद चाहती हैं? उनके पास मुझे वापस जाना ही नहीं है अपने घर। आपकी रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए लुक सलोन भागलपुर है तैयार। इस रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करें लुक सलोन के साथ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सलोन श्रृंखला लुक सलोन, जिसका स्टोर अब भागलपुर में भी खुल चुका है, में मिल रही है भारी छूट और बम्पर ऑफर। जी हाँ, हमारे स्टोर पर सभी प्रकार की सर्विस पर मिल रही है पूरे 20% की भारी छूट। साथ ही हमारे स्टोर पर मिल रही है कॉम्बो ऑफर की भरमार। जी हाँ, जेंट्स के लिए 650 रूपए में मिलने वाली हेयर कट्स और बॉडी मसाज मात्र 455 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला क्लीन अप और डिटेन मात्र 1650 रूपए में, 1900 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1330 रूपए में, 1600 रूपए में मिलने वाला हेयर कट, बियर्ड और डिटेन मात्र 1120 रूपए में,
2500 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रुपए में, साथ ही फीमेल के लिए 850 रुपए में मिलने वाला हेयर कट और बॉडी मसाज मात्र 595 रुपए में, 2500 रुपए में मिलने वाला क्लीन अप और डिटेन मात्र 1650 रुपए में, 2100 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1470 रुपए में, 2500 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रुपए में। मतलब लुक्स सलोन के साथ अभी रक्षाबंधन होगा सबसे खास, तो अभी हमारे स्टोर पर आए और बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है लुक्स सलोन, डॉक्टर आरपी रोड, खलीफाबाग, नियर बिग शॉप, भागलपुर। साहब मैं अभी जिंदा हूँ, यह कहकर प्रखंड एवं आरटीपीएस काउंटर के चक्कर लगा रहे रंगरा गांव के वार्ड नंबर 9 के दिलीप मंडल सरकारी कार्यालय में ही रोने लगते हैं। कहानी आपको फिल्मी लगेगी। यह बात पूर्व में बॉलीवुड में दिखाए गए फिल्म पिपली लाइव पर आधारित है, जिसमें कि फिल्म में दिखाया गया था कि नत्था को अपने जीवित होने का प्रमाण देना पड़ता है। मामला जिले की रंगरा प्रखंड क्षेत्र की रंगरा गांव का है। रंगरा गांव के वार्ड नंबर 9 में दिलीप मंडल नामक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ है। बता दे, दिलीप मंडल की उम्र करीब 60 वर्ष है। लगातार एक महीने से वो रंगरा प्रखंड कार्यालय में चक्कर लगा रहा है ताकि वो अपने आप को जीवित साबित कर सके। मामला यह है कि जब मीडिया की टीम रंगरा प्रखंड क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने गई थी, तो वहां दिलीप मंडल ने रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने कहा कि साहब मुझे जिंदा करवा दीजिए। ऐसा पूछने पर कि क्या हुआ, उन्होंने बताया कि आधार कार्ड में मुझे मृत घोषित कर दिया गया है। जब मैंने आधार कार्ड बनवाने दिया तो आधार कार्ड मेरे नाम से ना बनकर मेरे पिताजी के नाम से बनकर आ गया, जो कि उनकी मृत्यु 15 वर्ष पूर्व हो चुकी है। जिस समय आधार कार्ड बनता भी नहीं था, उस समय के डाटा को लेकर मेरे पिताजी के नाम पर आधार कार्ड बनकर आ गया है। आधार कार्ड में मेरे पिताजी का नाम और फोटो है, लेकिन मेरे नाम से आधार कार्ड नहीं बना है और सरकारी आंकड़ों में मुझे मृत घोषित कर दिया गया है। हालांकि मेरे नाम से वोटर आईडी कार्ड एवं राशन कार्ड है। इस बात को मैं अंचल कर्मियों को बताता हूं तो सब मेरे ऊपर हंसते हैं और कल आने की बात कहकर करीब एक महीने से चक्कर लगवा रहे हैं। इस बात को लेकर जब मीडिया की टीम ने आधार सेंटर पर इसकी जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल इशू है, जिससे कि दिलीप मंडल नाम के व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। यह गलती कहां हुई है और कैसे हुई है हमें नहीं मालूम। वहीं रंगरा प्रखंड क्षेत्र के बीडीओ से जब मीडिया ने बात किया तो उन्होंने बताया कि अभी नई ज्वाइनिंग हुई है हमारी और इस बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि आधार केंद्र एवं अन्य जगहों से इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं और इसकी जानकारी ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिलीप मंडल, जो कि आधार कार्ड में मृत घोषित हो चुके हैं, उन्होंने रोते हुए कहा कि साहब मुझे जिंदा करवा दीजिए। आधार कार्ड ना होने के कारण मुझे कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिल रहा, ना तो सरकारी कार्य में ही भाग ले पा रहा हूं। वहीं पारिवारिक केस मुकदमे में भी मुझे मृत घोषित कर दूसरे पक्ष लाभ उठा रहे हैं। वहीं रंगरा प्रखंड कार्यालय में जब इसकी जानकारी ली गई तो सबों ने एक दूसरे के ऊपर इसकी गलती बताया और रांची जाने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि रांची जाकर इसका सुधार करवा सकते, वहां आधार सेंटर का मुख्य कार्यालय है। इस बात को सुनते ही दिलीप मंडल, जो करीब 60 साल के हैं, वो बताते हैं, रांची जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित होगा, मैं गरीब हूं और मुझे अपने क्षेत्र में ही इसका सुधार करवा दीजिए। क्या घटना हुआ है? घटना यही है कि हमारा आधार कार्ड नहीं बना है। जब बनवाने के लिए गए तो बनाया, उसने बनाया, कहा कि आपका जो कहिए बनलो छे तो हमरो कत्ते दफी बनबे लिए हमरो ऐथाई नहीं छे, ऐथाई नहीं छे तो हमें अपना रंगरा चौक पर मैं बनबे लिए तो जब ऑर्डर कर लेके वहां से कि आधार कार्ड एक भेजलो जाए, ऑर्डर कर लेके तो वहां से हमरो मृत्यु घोषित कर दिलके भाई, हमें जिंदे छे। तो अभी जो आधार कार्ड आया किसके नाम से आया? हमारे पिताजी के नाम से आया है, 15 साल पहले मर गया, उनका उस टाइम में आधार कार्ड बनवे नहीं करता था। क्या नाम है पिताजी का? स्वर्गीय ठाकुर मंडल। आपका क्या नाम है? दिलीप मंडल। तो आपके पास कुछ पहचान पत्र है जिससे आप जिंदा साबित हो सकते हैं? जी, मैंने है वोटर आई कार्ड है सर। अच्छा, उसमें आपका दिखा रहा है कि आप जिंदा है? हाँ। आप वोट देते हैं? हाँ। और भी राशन कार्ड सब है? हाँ, राशन कार्ड है सर। बरारी थाना क्षेत्र के रहने वाले संजीव कुमार चक्रवर्ती नामक ठग को कंबाइंड बिल्डिंग के पास से नगर निगम के कर्मचारियों ने पकड़ लिया। बताते चले, ये ठग नगर निगम में नौकरी देने के नाम पर सीधे साधे लोगों से
15,000 से लेकर 12,000 ले रहा था। पीड़ित दो युवक ने कहा कि 3 महीने से ये आदमी हम लोगों को बहला रहा था। आज हम लोगों को नगर निगम गेट के समीप खड़ा रखा और ये अंदर चला गया और कहा कि ज्वाइनिंग लेटर देंगे। वहीं दोनों पीड़ित युवक के साथ ठग को पुलिस जोगसर थाने ले गई और आगे कार्रवाई में जुट गई। सुबोध कुमार, कहाँ घर हुआ? घर मेरा आनंदगढ़ कॉलोनी चिल्का माजी। क्या मामला है सर? मामला है कि सर हमको नगर निगम में बोले थे क्या कर नाथनगर ब्लॉक के लिए चयनित किया गया है और अभी तक हमको लेटर नहीं मिला। कितने दिन से टाला रहा है? लगभग 3 महीने हो गए। कितना पैसा दिए थे आपने? हमने लगभग 15,000 दिया। 15,000 दिए थे आपने? 15,000 दिया, 3 महीना से टला रहा है। आज नगर निगम आए थे, कौन नगर आयुक्त से मिले आप? हमने कहा क्या कि चलिए आज आपको लेटर हम ज्वाइनिंग लेटर देंगे। मिला ज्वाइनिंग लेटर? नहीं नहीं मिला। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के कदवा ओपी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणिया कदवा में गांव के ही एक आसिक मिजाज युवक के सर पर इस तरह इसका भूत सवार हुआ कि एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के लिए गांव में लगे 2 ट्रांसफार्मर की बिजली काट पूरे गांव को अंधेरा कर दिया, जिसके बाद घर में सो रही महिला के घर में घुसकर युवक ने हथियार का भय दिखाकर जान मारने की धमकी देते हुए उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला का पति दरवाजे पर सोया हुआ था। घर में शोरगुल होने पर जब पति घर गया तो उसने अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करते युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी युवक के पैर को बांध कर जमकर पिटाई कर दी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी को ग्रामीणों के द्वारा पैर बांधकर घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है और आरोपी घटना से संबंधित मामले की जानकारी दे रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर कदवा ओपी थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक लक्ष्मणिया कदवा निवासी चुल्हाय मंडल का पुत्र अरुण मंडल उर्फ बेंगो मंडल है। पीड़ित महिला के लिखित आवेदन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मेडिकल जाँच कराकर आरोपित युवक को जेल भेज दिया है। इस समय प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, गिरफ्तारी हुआ है और हमने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि हर हाल में अनुसंधान पूर्ण कर इस माह के अंत तक चार्जशीट सबमिट कर दें। अनुसंधान में कोई कोताही न बरतें और अगले महीने हम इसमें एसपीडी ट्रायल भी चलाएंगे ताकि जो एक्यूज है सजा उसको। भागलपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति झरखुरिया स्थित तक्षशिला विद्यापीठ स्कूल के सामने बगीचे में लूट की घटना अंजाम देने के लिए योजना बना रहे हैं। एसएसपी आनंद कुमार के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में तथा पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। उक्त टीम द्वारा लूट की योजना बना रहे 4 व्यक्तियों को 2 देसी कट्टा एवं 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति में मोहम्मद तबरेज का आपराधिक इतिहास रहा है। भागलपुर पुलिस लगातार ऐसे क्रिमिनल्स पर निगरानी रखती है जो शातिर क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं और उनका इंटेलिजेंस गैदर किया जाता है। उसी क्रम में कल एक सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति झुरकुरिया स्थित तक्षशिला विद्यापीठ स्कूल के सामने बगीचे में लूट की घटना कारित करने की योजना बना रहे हैं। तो SSP सर को इन्फॉर्म किया गया, उसके बाद एक टीम का गठन किया गया और वहाँ पर छापेमारी की गई। 4 लोग की वहाँ पे गिरफ्तारी की गई जो कि 2 देसी कट्टा और 3 कारतूस भी बरामद हुआ है उनके पास से और 5 मोबाइल और 1 छुरा बरामद हुआ है। जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम है मोहम्मद तबरेज़, मोहम्मद सजाद, गौतम कुमार, मोहम्मद राजा। मोहम्मद तबरेज जो है इसके ऊपर आपराधिक इतिहास के टोटल 4 केसेस हैं अलग अलग थाना क्षेत्र में। औद्योगिक प्रक्षेत्र में 2 केसेस हैं, कहलगांव में 1 केस है और अगरतला JRP थाना में भी 1 केस है। मोहम्मद सज्जाद के ऊपर 1 केस है, बाकी जो 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं उनका हम लोग आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। इस टीम में जो लोग शामिल थे वो औद्योगिक प्रक्षेत्र SHO कौशल कुमार भारती, बबरगंज थाना से राज रतन, DIU प्रभारी राजीव कुमार सिंह, मिथिलेश कुमार चौधरी DIU से, मिथिलेश कुमार DIU से, मुरलीधर शाह, इरफान खान, पुवनी रामचंद्र सिंह, सहनी कुमोद कुमार सिंह और बाकी जो फोर्स इन्वॉल्व था। इस पूरी टीम के जो नेतृत्व कर रहे थे वो DSP CD साहब थे और बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। इनके ऊपर लगातार निगरानी रखी जा रही थी क्योंकि बहुत ही शातिर क्रिमिनल हैं और एक बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। पूछताछ के क्रम में पता चला है कि ये एक लूटपाट की घटना करते हैं और लूटपाट की घटना को अंजाम देने जा रहे थे, उसी क्रम में ये लोग पकड़े गए।
महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद रामफल मंडल की शहादत दिवस के अवसर पर जिला जनता दल यूनाइटेड भागलपुर के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा के आयोजन में पार्टी के जिला अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला कमेटी के सदस्य, विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। अमर शहीद रामफल मंडल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। जानकारी जदयू भागलपुर इकाई के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी सुपाल भारती ने दी। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भी अमर शहीद रामफल मंडल को श्रद्धांजलि दी। सबों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लोगों ने उनकी गुमनामियत को उजागर करने की बात कही। वहीं अखिल भारतीय धानुक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बलराम मंडल ने कहा कि उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, यह काफी दुखद है, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। आज भारत के नहीं, भारत के बिहार राज्य के युवा प्रथम क्रांतिकारी नेता शहीद रामफल मंडल जी का आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन यानी 23 अगस्त 1943 को इसी भागलपुर के केंद्रीय कारा जेल में उनको अंग्रेजों ने कोर्ट के द्वारा फांसी का सजा पहले सुनाया था और फांसी उनको इसी भागलपुर के जेल में उस क्रांतिकारी नेता को दिया गया था। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर जिला जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश की ओर से पूरे प्रदेश में उनके शहादत दिवस के रूप में हम लोग आज मना रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे वीर सपूतों को जिनकी मात्र 18 साल का उम्र था, उस उम्र में सीतामढ़ी जिला के राजापट्टी थाना क्षेत्र में भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का अग्रणी भूमिका निभाया था उन्होंने। उसी क्रम में उन्होंने उनके आंदोलन काल में उस थाने क्षेत्र में अंग्रेजी पुलिस के द्वारा अनेक बहुत से महिलाओं को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। उन्हीं के विरोध में उन्होंने उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर, हवलदार और चपरासी वगैरह को धारदार हथियार से उसके बदला देने के लिए उनका धारदार हथियार से उसका हत्या कर दिया और अंग्रेजों से बदला लिया। इसी दरमियान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर जेल भेज दिया गया। कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको महात्मा गांधी जी ने उनके वकालत के रूप में, पैरवी के रूप में बंगाल से वरिष्ठ अधिवक्ता को लाया था और उनके पैरवी के लिए, बचाव के लिए पैरवी किया था। और वो विद्वान अधिवक्ता ने उनसे कहा, सकल आप इतना ही कोर्ट में कहेंगे मजिस्ट्रेट के सामने कि मैंने हत्या नहीं किया है। लेकिन शहीद रामफल मंडल ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, देश की आज़ादी के लिए मैं मर मिटना पसंद करूँगा लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। और हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, जिस उम्र में उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना जान दे दिया, शहीद हो गया, इसलिए युवाओं आप भारत की अखंडता के लिए, भारत की आज़ादी को बचाने के लिए आप दृढ़ संकल्पित हों, उसी तरह देशभक्ति आप लाएं अपने जनून में और देश की रक्षा करें, भारत को हमेशा अखंड रखें, भारत को गुलाम कभी ना होने दें, आज़ाद हमेशा आज़ाद रखें।